आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पावर डायरेक्टर को कैसे फ्री में डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हेलो एंड वेलकम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यह है पावर डायरेक्टरी ऐप। इसको कैसे डाउनलोड करते हैं मैं अब वीडियो की आखिर में बता दूंगा। तो इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद नया प्रोजेक्ट यहाँ पर देख सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर टैप करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हो। मैं दे देता हूँ यहाँ पर डेमो दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे आप साइन देख रहे हो, 60:9, 9:16, उसके बाद 1:1। तो ये ज़्यादातर 60:90 ये यूट्यूब की वीडियो के लिए है, ये रील बनाने के लिए है, और ये इंस्टाग्राम पे आप बड़े वीडियो लेकिन आप रील के तौर पे लगा सकते हैं। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पहला वाला। उसके बाद यहाँ पे आपके बहुत सारे वीडियो हैं, इनमें से एक वीडियो आपको सिलेक्ट करनी है। जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे टैप करके प्लस पर टैप कर लूँगा, यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो ये वीडियो यहाँ पे आ चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा वीडियो है, ठीक है। कितने मिनट का वीडियो है आप यहाँ पे देख लो, टोटल जो है वो तकरीबन 2.5 मिनट का वीडियो है, 2:37 का। तो यहाँ पे आप इसका सबसे पहले तो आपको इस पर टैप करना है, उसके बाद इसका आपको ऑडियो सुन लेनी है कि इसकी ऑडियो कैसी आई है। हेलो, तो ये देखिए, ये मेरी एक पुरानी वीडियो है, और यहाँ से आप सबसे पहले तो इसकी ऑडियो को बढ़ा सकते हैं कुछ ऐसे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग इसके आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक जाना है। ये जो पहला वाला सिस्टम है इसको आप कट कर सकते हैं, अगर आपकी वीडियो में कहीं से आपको कट लगानी है तो यहाँ पर टैप कर लेंगे, एक कट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर टैप कर ऊपर जो आप दिख रहे हैं ऊपर एकदम टॉप पे यहाँ पर डिलीट बटन है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखो डिलीट हो गया सामने वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद आता है मिक्स ऑडियो, ऑडियो मिक्सिंग। आप यहाँ पे ऑडियो को मिक्स कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ऑडियो टूल। ऑडियो टूल में आप यहाँ पे अपना वॉइस चेंज कर सकते हैं, अपना वॉइस ओवर दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में जो वॉइस है अगर उसको आप चेंज करके अपना वॉइस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट। यहाँ पे आप कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको बदल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं जो आप धीरे धीरे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जूम भी कर सकते हैं कुछ, यहाँ पे अगर टैप करेंगे तो ये जूम भी हो जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप जूम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, अगर आपको फ़ोटो लगाना है, कोई फ़ोटो अगर आपको लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे। यहाँ पे टैक्स की है, वीडियो की है, यहाँ पे टेक्स्ट है, वीडियो है। अगर आपको यहाँ पे एक और वीडियो लगाना है तब भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट दे देता हूँ, और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे। ये देखो यहाँ पे आप कलरफुल टेक्स्ट लगा सकते हैं, ये कुछ ऐसे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिएगा जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आप वीडियो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं एक और वीडियो आपको लगा के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, ये वीडियो लगा लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का वीडियो लग गया, अगर आपको लगाने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है। इस तरह का आप वीडियो लगा सकते हैं, इसको आप अपने मनचाहे हिसाब से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो, अगर आपको फ़ोटो लगाना है तो आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये, जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो ये फ़ोटो लगा लूँ, ठीक है। तो ये फ़ोटो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। इसको हम जूम भी कर सकते हैं, ये देखिए कुछ ऐसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद अगर आपको म्यूज़िक ऐड करना है तो आप यहाँ पे म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे म्यूज़िक पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंतज़ार करते हैं, ये पूरा नेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये कुछ बहुत सी कैटेगरी है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पियानो है, पियानो में टैप करता हूँ, और ये देखिए एक म्यूज़िक है, यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक है। और ऊपर वाला जो है ये मैंने डाउनलोड करके रखा है, और अगर आपको कोई और म्यूज़िक पसंद आती है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप लगा सकते हैं। तो ये मेरी पहले वाला जो है इसको डाउनलोड करके रखा है मैंने। तो यहाँ से आप प्लस आइकन पर टैप करेंगे, वो देखिए ये जो म्यूज़िक था ये पूरा तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है, आप यहाँ पर सुन भी सकते हैं कुछ। ये देखिए, अगर इसको आप साउंड को कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा कम रखता हूँ बैकग्राउंड में म्यूज़िक, थोड़ा सा कम रखिएगा।
जी, तो ये टाइप सी कुछ पोर्ट है ऐसे हो और जाते हैं। एक एलईडी लाइट भी है। ठीक है, उसके बाद आप स्टिकर लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे आपको, बहुत प्यारे प्यारे स्टिकर भी मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे देख सकते हैं आप, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको स्टिकर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक स्टिकर लगा के दिखाता हूँ जो ट्रेंडिंग पे है, ये देखिए यूट्यूब, ये वाला स्टिकर जो मुझे काफ़ी पसंद है, इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ इसे। ये देखिए अभी कैसे काम करते हैं, देख लीजिए, शायद ये देखिए कैसे काम पता करते नहीं, हैं, ये देखिए। और ये कुछ ऐसे तो इस दिखता है। तरीके का आप अपनी मनचाहा स्टिकर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइक का आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये डाउनलोड होगा, ये देखिए डाउनलोड होने के बाद ही लग गई है आपको, मान लेते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं, तो कुछ ऐसे ही काम करने इसको ओपन वाला है। करते ही ये ऑन हो जाती है कुछ ठीक ऐसे। है, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वीडियो को सेव करना है तो कैसे करेंगे, ऊपर एकदम राइट साइड कॉर्नर पे आप देखिए एक तीर का सिंबल है, तो यहाँ पे अगर आप टैप कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि 1080p यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेटिंग पे चले जाएंगे, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कहाँ पे आपका ये जो वीडियो है वो सेव होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेटर क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी या स्मॉल क्वालिटी अगर आप वो भी सेट कर सकते हैं, उसके बाद आप ये पेज भी सेट कर सकते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये देखिए अब ये पूरा वीडियो जो आपने एडिट किया है ये कम्प्लीटली उसको बना के आपको दे देगी, उसके बाद आप अपने यूट्यूब पे जाके पोस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसको होने देते हैं, इसको अगर हम बैक करेंगे तब भी ये हो जाएगा। अगर आप बात करें कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, और ये बिल्कुल बात करते हैं आप डायरेक्टर को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे, और वहाँ से आप इजीली पावर डायरेक्टर को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप यूज़ में ले सकते हैं। थैंक यू।